शायद गुरुजी गरुड़ के रूप में आकर उस सांप को यहाँ से ले गए। चलो अच्छा ही हुआ। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नो नो, इट्स ओके। सॉरी, आप कब आई मुझे पता ही नहीं चला। इनके आने के बाद ही ये सब हुआ है। सॉरी, हम बात नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फाइन, चलती हूँ। ओके, चलती हूँ माँ जी। सॉरी, मेरा फोन। नंदीश, इनका फोन देना। हाँ, थैंक यू, बाय। धन्यवाद आपका मेरी रक्षा करने के लिए। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन आप हैं कौन और आपको यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए किसने भेजा? आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए, मेरी रक्षा करने का विचार आपको क्यों सूझा? किसने भेजा है आपको यहाँ? मेरे गुरुदेव ने। सुनिए, जरा अपना चेहरा दिखाइए। कौन था वो? जरूर गुरुदेव ने ही मेरी रक्षा के लिए उसे भेजा था, या फिर शायद वही रूप धारण करके आए थे। मतलब मैं गुरुदेव को पहचान नहीं पाई। नहीं नहीं, मेरी रक्षा करने की शक्ति गुरुदेव के अलावा किसी और में तो है ही नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद गुरुदेव, गरुड़ रूप में आकर मेरी रक्षा करने के लिए। यदि आप नहीं आते तो महादेव ही जाने मेरी क्या दुर्गति होती। शिवानी, क्या हुआ मुझे विस्तार में बताओ। शाम के समय मैं त्रिशूल के साथ बाहर थी। जिसने तुम्हारी रक्षा की वो मैं नहीं था। हम नागलोक वाले हैं, गरुड़ हमारे शत्रु हैं। युगों से, युगांतर से सब जानते हैं कि गरुड़ हमारा कुल कंटक है। इच्छाधारी नाग होने के कारण हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन गरुड़ रूप लेना हमारे लिए निषेध है। ऐसा होते हुए गरुड़ रूप धारण कर मैं तुम्हारी रक्षा करने कैसे आ सकता हूँ? अगर ऐसा है तो वो कौन था गुरुदेव? ये कैसी माया है? ये घटना मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ा रहा है। यदि त्रयंबक रूप बदलकर आया होता तो वो तुम्हें इतनी सरलता से नहीं जाने देता। तो वो कौन था? इस पल का तुम्हारा मित्र है या भविष्य का शत्रु? बंधन से मुक्त होने के कारण अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, सावधानी और साक्षरता ही तुम्हारी रक्षा करेगी। वो गरुड़ मानव कौन था इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। जाओ शिवानी, अपने कार्य के साथ आगे बढ़ो। समझ गई गुरुदेव, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, तुम्हारा शुभ हो। गुरु भ्यो नमः। आयुष्मान भवा। मैंने जो चूर्ण दिया था उसका उस नाग पर प्रयोग किया, कुछ पता चला? चूर्ण का प्रयोग तो नहीं कर पाए गुरुजी, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी रही है। कहिए गुरुजी,
वो नाग नागलोक का था या सामान्य था? मैंने तुम्हें जो चूर्ण दिया था तुमने उसका प्रयोग ही नहीं किया, और यहाँ आकर नाग के विषय में मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा? दरअसल हुआ ये गुरुजी, जब हम चूर्ण डालने वाले थे तो एक गरुड़ आकर उस सांप को उठा कर ले गया। क्या गरुड़ पक्षी नाग को उठाकर वहां से चला गया? जी गुरुजी, मुझे लगा कि आपने ही गरुड़ भेजा होगा। नहीं नहीं, मैंने कोई गरुड़ तुम्हारे घर नहीं भेजा था। इसका मतलब किसी और शक्ति ने गरुड़ का रूप लेकर उस सांप को बचा लिया, या फिर कोई सामान्य गरुड़ उसे उठाकर ले गया होगा और हो सकता है उसे खा लिया होगा। मुझे इस पर थोड़ा विचार करना होगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब मुझे एक और बात बतानी है। मैंने कहा था ना, एक लड़की के ऊपर शक है मेरा। उस लड़की का इससे कोई संबंध नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुमने तो चूर्ण का प्रयोग ही नहीं किया ना? नहीं गुरुजी, वो लड़की हमारे बिल्कुल सामने थी। ये माया भी हो सकती है दिग्विजय, केवल उस समय उसके वहां होने से उसे ही सच नहीं माना जा सकता। असली सच्चाई का पता अब मुझे ही लगाना होगा। अब तुम जा सकते हो। आयुष्मान भवा। शिवानी, ये सारी बीती हुई बातें हैं। किसी को हम पर कोई शक नहीं हो सकता, समझी? मेरा तुम्हारा रूप लेकर उस घर में जाना बिल्कुल सही था। वो सब तो ठीक है, पर अब आगे से ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा करने से उनका जो मुझ पर शक है वो खत्म हो जाएगा। सही कहा। सबसे पहले हमें त्रिशूल और त्रिविक्रम से, उन दोनों से मिलना होगा। उन दोनों से दोस्ती करनी होगी, तभी हम अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो। वैसे भी त्रिशूल तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा होगा, क्योंकि उसको तुम्हारी परवाह है शिवानी। वैसे भी उसने ये बात मान ली है कि तुम्हें कैंसर है। तुम इसी नाटक को जारी रखना। नहीं नीली, ये तो गलत है। हमने उससे झूठ कहा है कि मुझे एक बीमारी है, और ये तो उसकी भावनाओं के साथ खेलने जैसा हुआ ना। हाँ, मुझे लक्ष्य तक पहुँचना है, पर उसके लिए ऐसा करना ठीक है क्या? बेचारा, मैं बीमार हूँ इस बात से वो कितने टेंशन में आ गया है। शिवानी, तुम बार बार उसी के बारे में मत सोचो। ये लो, पहले त्रिशूल को फोन करो, और बातों बातों में उसे घर आने के लिए इनवाइट भी कर लो, ठीक है? जब भी देखो, घर के सारे काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। ये दोनों बाप बेटे भी मेरी मदद नहीं करते, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ? ये सब क्या है माँ? कोई खजाना ढूंढ रही हो क्या? ये सब तुम्हारे पिताजी की जायदाद। पिताजी की जायदाद? ये किसकी तस्वीर है माँ? दिखाओ तो। ये कौन है माँ? तुम्हारे पिताजी की माँ, मतलब तुम्हारी दादी माँ। दादी माँ? पिताजी ने तो अब तक मुझे इनके बारे में नहीं बताया। हमेशा से खुद को अनाथ कहते आ रहे हैं। इनके बारे में बात करना तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जब तुम्हारे पिताजी छोटे थे तब ये गुजर गई। ओह, बेचारे। माँ, एक कॉल आया है, मैं अभी आता हूँ। हाय मैडम। आइए ना। कैसे हैं आप? ठीक है ना? हाँ, अच्छा है। बैठिए। कोई बात नहीं, बैठिए।
आज आपने मुझे फोन करके बुलाया, मुझे अच्छा लगा, नहीं तो मैं घर आने की हिम्मत ही नहीं करता। सॉरी मैडम। सॉरी? सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो मुझे शर्म आ रही है मैडम। अरे छोड़ो ना त्रिशूल, ये सारी बातें अब रहने दो। तुम जैसे हमेशा बड़बड़ करते रहते हो ना, वही तुम्हें सूट करता है। तो सॉरी मत बोलो, इट हैपेंस। आपने इतना कह दिया ना, अब मुझ में हिम्मत आ गई है। लेकिन मैं एक लड़का होकर आपको उस मुसीबत में ऐसे अकेले छोड़कर आ गया, उस बात का अफसोस मेरे मन में अब तक है। पता नहीं क्यों, लेकिन सांप मेरी कमजोरी है मैडम। जब मुझे सांप ने काटा और मैं मरकर जिंदा हुआ, तब मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे मरने का नहीं, सांप से डर लगता है मैडम। अब छोड़ो भी, सबके मन में कोई ना कोई डर होता ही है, और हम चाहकर भी उस डर से नहीं बच सकते। लेकिन वही डर हमें आगे बढ़ाता है, जैसे जीने का डर, काम का डर, मरने का डर। हेलो 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 हेलो, आप क्या कहना चाहती हैं मैं समझ गया हूँ। देखिए मैडम, आपकी बीमारी की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल ही मैं इंटरनेट में देख रहा था, ये जो कैंसर है इसे समय रहते ठीक किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सब लोगों ने मुझे यही बताया है। मैं अब भी पूछताछ कर रहा हूँ, जानती हैं। देखिए मैडम, आपको अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जहां बुलाऊंगा वहां आपको चुपचाप आना होगा, बस। अब वो त्रिशूल, दरअसल मुझे कैंसर। शिवानी तुम बिल्कुल दुखी मत होना, मैं कहती हूँ। देखो अगर किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो तो हमें बताना, हम एक अच्छे डॉक्टर की तलाश है। बस यही बात कहने के लिए आज शिवानी ने तुम्हें कॉल किया था। आप बस कहते जाइए और मैं करते जाऊंगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि सेकंड ओपिनियन लेना हमारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारा कहना सही है, तुम बताओ हमें कब जाना है, हम रेडी रहेंगे, है ना शिवानी? देखो हमारी यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, इसीलिए तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। मैडम आप कुछ टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं हमेशा उनके साथ में ही रहूंगा। चलिए मैडम मैं चलता हूँ। मैडम मैं जाने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। वो मैं आपको रास्ते पर छोड़कर आ गया था ना, तो आप कहाँ चली गई हैं देखने के लिए? मैं रात को आपके घर आया था लेकिन आप यहाँ नहीं थी। हाँ तो? उसके दूसरे ही दिन मैं सुबह फिर आया लेकिन आप तब भी नहीं थी। ओके हाँ तो आखिर आप गई कहाँ थी? हाँ मैडम अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो छोटी सी बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। बस इतनी ही बात है या और भी कुछ पूछना है? नहीं बस इतना ही। त्रिशु तुम मेरी परवाह करते हो, ये सब ठीक है, लेकिन क्या मुझे अपनी मर्जी से आने जाने की फ्रीडम नहीं है? अरे जरूर है मैडम, लेकिन आप रात को गुम हो गई थी इसलिए मुझे चिंता हो गई थी, इसलिए पूछ लिया। चिंता हो रही थी या शक हो रहा था? देखो तो आप मुझसे सवाल करके मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में आप रात में घर पे नहीं है तो मैं क्या करूँगा बताइए? तुम तो मुझे बिना कुछ कहे कहीं भी आ जा सकते हो, है ना? लेकिन मुझे तुम्हें बताकर ही कहीं जाना होगा, ये कह रहे हो? अरे बाप रे, ये तो मुझ पर ही भारी हो गया। कुछ भी हो जाए लड़कियाँ क्रॉस एग्जामिनेशन करने में नंबर वन होती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुका तो मेरी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अरे यार। हेलो अब क्या सोचने लग गए, बताओ। कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो त्रिशूल,
मैं एक बड़ी बिजनेस वुमन हूँ, मुझे हजारों काम होते हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी और वापस घर कब आऊंगी, ये तो मुझे खुद पता नहीं होता। तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मैडम, आपने इतना कह दिया, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। पूछोगे तब भी जवाब नहीं दूंगी। ओके, समझ गया। ठीक है मैडम, बाय। चिल्ला रहे हो आप? हे, ये तस्वीर यहाँ किसने रखी? आखिर किसने खोली वो पेटी? सफाई कर रही थी जी, इसे अंदर रखना भूल गई। पता है ना, इसका चेहरा देखना भी मुझे पसंद नहीं है। किसने रखा इसे यहाँ? निकालो 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 इसे यहाँ से। इसको तो मैंने पहले फेंक दिया था ना, तो तुमने इसको यहाँ जानबूझकर रखा मुझे दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हे, मुझसे झूठ मत बोलो। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? हे, चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। पिताजी सुनिए, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ बताइए ना। पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ये तो बस दादी की तस्वीर है। किसी भी बात पर इतना परेशान नहीं हुआ करता था मैं, लेकिन इस सांप के विषय पर मेरा मन बेचैन हो जाता है। हाँ भांजे, मेरी भी वही स्थिति है। सोते जगते उस सांप का ही ख्याल रहता है। क्या हमारे लाइफ में और कोई भी परेशानी है? नहीं है। कितने खुश थे ना हम सब, लेकिन बस यही एक टॉपिक मुझे परेशान कर देता है। बेवजह ऐसा नहीं हो सकता, हमसे ही अनजाने में कोई गलतियां हुई होंगी। मैं बस यही सोच रहा हूँ, सपनों में आना, उसके बाद हमारे सामने दिखाई देना, और जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने मुझे कुछ नहीं किया, उसने मुझे काटने की कोशिश तक नहीं की, और उसी सांप ने जब त्रिशूल को काटा था तो त्रिशूल मरते मरते बचा। आखिर इन सब का क्या मतलब हो सकता है? पिताजी चाय लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए त्रिशूल। आप किस बात से नाराज हैं? मैंने आपको इतना अपसेट कभी नहीं देखा है। क्या हुआ पिताजी, बोलिए ना, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं जब भी उस औरत का चेहरा देखता हूं, तन बदन में आग लग जाती है। क्या हुआ पिताजी? कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ अनजाने जख्म दिख जाते हैं। जब वो जख्म याद आते हैं, वो दर्द मैं सह नहीं पाता। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। पिताजी, आपको दादी पसंद नहीं थी? वो सब कुछ थी मेरे लिए। मेरी माँ मुझे जान से भी प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। मेरे लिए पिता भी वही थी, माँ भी वही थी, वही सब कुछ थी मेरी। लेकिन वो पागल हो चुकी थी, नागमणि के लिए पागल। जब भी देखो नागमणि, नागमणि का जाप करती रहती थी।
नागमणि लेने के लिए निकल पड़ती थी, वापस घर ही नहीं आती। मैं बहुत छोटा था, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं भीख मांगने लगा, भीख मांगकर खाना खाता था। जब देखो जादू डोना तंत्र मंत्र यही करती रहती थी वो, और जब भी घर आती तो अजीब अजीब काम। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, रंगोली, खून के दिए, नींबू मिर्च, मंत्र, ये सब देख देख कर तो मैं ऊब चुका था। मुझे मेरी मां से नफरत हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो ये भी भूल गई कि मैं उसका बेटा हूं। उसने मेरी चिंता करना भी छोड़ दिया था। मुझे जब भी बुखार आता वो अपने कमरे में बैठकर नाग मंत्र, नागमणि, बस यही सब करती रहती। एक बात बताइए, ये नागमणि क्या है? एक पागलपन बेटा, वो एक भ्रम है। अगर उसके पीछे गए तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें खुद नहीं पता। मानो मिल गया तो स्वर्ग, नहीं तो नर्क, और मैं वो नर्क देख चुका हूं। फिर क्या हुआ पिताजी? और क्या होना था, एक दिन वो चली गई नागमणि लाने और कभी वापस नहीं आई। अच्छा, इसका मतलब? किसी ने उसे पहाड़ की चोटी पर देखा था, पता चला कि वहां से गिरकर मर गई। अब ये कितना सच है कितना झूठ मैं नहीं जानता। जब तक ये खबर मेरे पास आई उसके लिए मेरी सारी भावनाएं मर चुकी थी सिवाय नफरत के। यानी दादी मर चुकी है ये बात सच है? अगर जिंदा होती तो वापस जरूर आती, वो वापस नहीं आई। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरी मां के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेरे मालिक ने मेरी जान बचाई। अगर आज मैं जिंदा हूं ना उसकी वजह मालिक है, रहने के लिए घर दिया, बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह, मां की तरह, एक दोस्त की तरह आज भी वो मेरे साथ हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके नाम कर दी है। क्या बात है भांजे, कमाल की पेंटिंग है। मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए मामा, पेंटिंग अभी भी बाकी है। तो ठीक है ना भांजे, मैं कौन सा आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसीलिए जिस बारे में जानकारी ना हो उसे नहीं कहते। अरे छोड़ो ना भांजे, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है। देखो ना, मैं यहाँ जो भी कहता हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया मामा? तुम्हें याद है ना भांजे, उस दिन मैंने ये कहा था कि मैंने त्रिशूल को किसी लड़की के साथ देखा था, तो तुमने क्या कहा था? उस लड़की को मैं जानता हूँ और मैंने ही त्रिशूल को उसे ड्रॉप करने के लिए कहा था ना? मामा आपको क्या कोई और काम नहीं है? मैंने उसे किसी और को ड्रॉप करने के लिए कहा था। लेकिन वो शिवानी नहीं थी ना, वो यहाँ कहाँ से बीच में आ गई? शायद मेरा काम कर देने के बाद त्रिशूल शिवानी को ड्रॉप करने चला गया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों बेवजह वक्त बर्बाद कर रहे हो? बस इतनी सी बात है ना, कुछ और तो नहीं? हाँ बस इतना ही था प्लीज, और अगर हो सके तो आप मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके पास तो वक्त की कोई कमी नहीं। चलो क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ना मैं कुछ भी कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा एक और बात, हाँ? आगे से कभी भी ऐसी कहानियां मेरे पास मत लाना, मैं त्रिशूल को अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। Thank you.
त्रिशूल, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मैडम, आपकी याद आई, आपको देखने का दिल किया तो मैं आ गया। इतनी रात को आपको जगाना नहीं था, इसलिए यहीं खड़ा हूँ। लेकिन त्रिशूल, इतनी रात गए क्यों आए? बात क्या है? वो मेरे दिमाग में सिर्फ आप ही छाई है, उसका क्या कर सकते हैं, इसलिए आ गया। मैडम, आप कभी भी अपनी बीमारी को लेकर परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दिल से ये सब कह रहा हूँ। ठीक है त्रिशूल, पर तुम यहाँ इतनी रात गए नीचे खड़े हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी हासिल करने या किसी चीज के लालच में यहाँ पर नहीं आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए, इसलिए मैं आ गया। आप जाकर सो जाइए, सो जाइए मैडम। अरे मैडम, आप नीचे क्यों आ गई? घर के अंदर चलो प्लीज। मैडम, मुझे अंदर नहीं आना चाहिए, आप जाकर सो जाइए प्लीज। तुम यहाँ खड़े रहोगे तो मैं जाकर कैसे सो पाऊंगी? आप ऐसा तो मत कहिए मैडम। अगर तुम चाहते हो मैं जाकर सो जाऊं तो अपने घर जाओ। मुझे घर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। मैडम, आप हंसती है तो एकदम किसी परी जैसी लगती है। इतनी रात को झूठ बोलने आए हो मुझसे? झूठ नहीं है मैडम, सच है। इस वक्त भूत घूमते हैं, परिया नहीं। झूठ नहीं तो और क्या है? मैडम, आप जानती हैं जहाँ पर परिया होती हैं वहाँ पर भूत नहीं होते। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो यही सुबह हो जाएगी। मैडम, जब मेरे सामने ही इतनी रोशनी हो तो सवेरा होने तक का इंतजार क्यों करना है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है त्रिशूल कि जैसे ही रात होती है तुम कवि बन जाते हो? कवि बनने के लिए वक्त नहीं देखा जाता है, दिल को थोड़ी सी उम्मीद मिल जाए तो कोई भी कवि बन सकता है। सिर्फ उस दिल में उम्मीद जगाने के लिए कोई करीब होना चाहिए। क्या हुआ, कुछ कहेंगी नहीं? मैं कुछ कहूंगी फिर तुम कुछ कहोगे, है ना? ऐसी बातों बातों में ही तो कविताएं बनती हैं। देखो त्रिशूल, मैं यहाँ कविता रचने नहीं आई हूँ, ना अपनी नींद खराब करनी है। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ और घर में जाकर आराम से सो जाओ। हुँ? मैं यहाँ आपकी नींद खराब करने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप जाकर सो जाइए मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी नींद तो कब की उड़ चुकी है, मैं आंखें खोलूं या बंद करूं मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। आंखें बंद करके सपनों में दिखाई देने से अच्छा है आंखें खोलकर मैं तुम्हारा दीदार करूं। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहिए छोटे मालिक। तुमने शिवानी के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की? कई दिनों से वहाँ तुम्हारा आना जाना है और सुना था कि तुमने उसे ड्रॉप भी किया था। अगर तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कुछ बताओ उसके बारे में। छोटे मालिक, आप भी, वो थोड़ी सी अलग है, अच्छे से बात करती है, हमेशा खुश रहती है, लेकिन थोड़ी सी मूडी है। मैं तो बस घूम रहा हूँ उसके साथ में। लड़कियाँ ऐसे ही होती है त्रिशूल। लेकिन हाँ, तुम अपना वक्त लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ए त्रिशूल, क्या हुआ तुम्हें, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ छोटे मालिक। क्या हुआ बताओ भी। वो आपको बताया था ना,
मेरे एक फ्रेंड को कैंसर है, इसलिए मूड ऑफ था। ये अब वो कैसी है, कोई सीरियस बात तो नहीं? थर्ड स्टेज है। ए, अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, थर्ड स्टेज में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तू खामखा टेंशन ले रहा है। यानी कि वो ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। छोटे मालिक, आप तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को पहचानते हैं, क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं प्लीज? अरे बस इतनी सी बात, एक मिनट रुक, अभी कॉल करता हूँ। हेलो, हाय अंकल, मैं त्रिविक्रम बोल रहा हूँ, दिग्विजय का बेटा। हाँ अंकल, आप कैसे हैं? मेरे किसी दोस्त को कैंसर है, ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, मैंने आपको सेकेंड ओपिनियन के लिए कॉल किया था। ओके अंकल, थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच। देखा, एक मिनट में काम हो गया। थैंक्स छोटे मालिक, बहुत मेहरबानी। इतनी छोटी छोटी बात पर थैंक्स मत बोला कर। ठीक है, मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। तुमने कहा त्रिशूल की मासूमियत का फायदा उठाकर हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, और मैंने तुम्हारी बात भी मान ली, लेकिन वो तो कल पूरी रात हमारे घर के बाहर खड़ा रहा। मुझे कुछ हो ना जाए ये सोचकर वो पागल हो रहा है। वो हमारी वजह से परेशान है नीली। ठीक है ना शिवानी, उसके पास और कोई काम नहीं है इसलिए वो आ जाता है। ये मजाक नहीं है नीली, बेचारा हमारे एक झूठ की वजह से ना जाने कितना परेशान हो गया है। किसी और को तकलीफ देना गलत बात है ना शिवानी। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कोई कारण है, बात को समझो। नागमणि और आदिशेष, इन दोनों पर ध्यान रखकर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, और इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, है ना? तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती है नीली, लेकिन नमस्ते मैडम। आइए सर, अंदर आइए। और मैडम कैसी हैं आप, सब ठीक है ना? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। ओह, आप कंफ्यूज हो गई, होना ही चाहिए क्योंकि मैं जब भी कुछ करता हूँ हट के करता हूँ, ये लैब से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? बताता हूँ सर, बैठिए। अरे मैडम, आप लोग क्यों खड़ी हैं, बैठ जाइए। बैठिए ना मैडम, कोई बात नहीं। हाँ तो आपकी तकलीफ जानने के बाद मैंने आपसे कहा था ना सेकंड ओपिनियन के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ लाया हूँ। लेकिन ये क्या करेंगे? कुछ नहीं मैडम, एक छोटी सी सुई आपके हाथ में लगाएंगे और थोड़ा सा खून लेके जाएंगे। खून लेंगे? सिर्फ 1 ml खून ही मैडम, और फिर उसे ये हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, चेक करेंगे और रिपोर्ट देंगे, बस इतना ही। मैडम ये 1 ml खून आपकी जिंदगी बदल देगा। हाँ, मेरी जिंदगी तो बदल ही देगा, है ना, है ना, है ना, इसीलिए इसीलिए मैंने यहाँ लाया। अगर ये खून ले गया तो शिवानी का खून इंसान का खून नहीं है, ये उसे पता चल जाएगा। क्या हुआ, आप लोग इतना क्या सोच रही हैं? ये क्या आपका 1 liter खून लेके जाएंगे क्या? सिर्फ एक सैंपल ही तो लेके जाना है ना। सुनिए गौतम सर, आप ही कहिए ना इनसे। हाँ मैडम, सिर्फ थोड़ा सा खून। देखिए आप प्लीज बुरा मत मानिए, शिवानी आज दिन भर हॉस्पिटल और दवाइयाँ खरीदने के चक्कर में बहुत थक गई है, और इस बीमारी के कारण शिवानी बहुत परेशान भी रहती है। शिवानी को रेस्ट की जरूरत है, प्लीज बात को समझिए। आप किसी और टाइम, एक काम करती हूँ, मैं आपको कॉल कर देती हूँ, फिर आप आ जाइएगा। अरे मैडम ये सिर्फ 2 minutes का ही तो काम है। आई नो त्रिशूल, बट शिवानी इज वेरी अपसेट। नेक्स्ट टाइम कब आना है मैं आपको फोन करके जरूर बता दूंगी, अभी आप प्लीज जाइए। त्रिशूल, तुमने इतना सब किया उसके लिए थैंक्स अ लॉट, लेकिन मैं आज बहुत ही
दरअसल आप आने से पहले मुझे कॉल कर देते तो अच्छा होता। आई एम सॉरी त्रिशूल। ठीक है इट्स ओके, जाने दीजिए। आइए सर, चलते हैं। गुरुदेव, हमारे कुल का रक्त कैसे काम करता है? अगर उसे देह से निकालते तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? नागों का रक्त और इंसानों के रक्त में बहुत अंतर होता है, एवं शिवानी, नाग लोक के नागों का रक्त का बर्ताव कुछ विचित्र होता है। यदि उस रक्त को चंद्र के प्रकाश के तले देखें तो उसकी चमक सोने की तरह होती है। इसका अर्थ है हम नाग लोक से है ये कोई भी पहचान सकता है ना गुरुदेव? बिल्कुल, ये पहचानना आसान है क्योंकि दिन के समय वो रक्त सफेद दिखाई देता है। इतना ही नहीं, यदि उस रक्त को किसी और जीव ने स्पर्श कर दिया तो 8 घंटे के अंदर उस जीव का रंग नीले रंग में बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि त्रिविक्रम और त्रिशूल में से आदिशेष कौन है इसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा उपाय है। हाँ बिल्कुल, परंतु इस रक्त परीक्षण के दौरान थोड़ी सावधानी रखनी होगी। यदि किसी को भी तुम पर अनुमान आया तो तुम्हारे सारे प्रयत्न विफल हो जाएंगे। नहीं गुरुदेव, हमें एक ऐसा ही अवसर मिल चुका है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तुम्हारे प्रयत्न को यश प्राप्त हो। हमें आज्ञा दीजिए। शुभ मंगल हो, प्रस्थान करो। मेरा दिल मुझे बार बार सावधान कर रहा है। दिल में जो भी शंकाएं हों उन्हें मिटाना जरूरी है। अब आप क्या करना चाहते हैं? हमारे पास गुरु जी का दिया हुआ चूर्ण है। अगर शिवानी नागिन है तो उसके रक्त पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सच झूठ सामने आ जाएगा। अब हमें उसके खून की जरूरत है। मुझे आपका आइडिया अच्छा लगा, पर उसका खून मिलेगा कैसे? किस्मत अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है नंदीश, कोई रास्ता तो होगा। गुरुजी, जैसा आपने कहा था मैं बाल लेकर आई हूँ, लीजिए। अति उत्तम, उत्तम कार्य किया है तुमने। ओम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योगेश्वरी सकल स्थावर जंगमस्था। ओम अस्त्राय फट, ओम अस्त्राय फट। गुरुजी, ये कैसे हुआ? गुड़िया का रंग कैसे बदल गया? अवश्य ये कोई शुद्र शक्ति या दैव्य शक्ति हो सकती है। इसे भी जादू टोने की जानकारी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसका नाग जाति से कोई संबंध है या नहीं इसका पता लगाना होगा। उसका एक और रास्ता है, उसके शरीर से एक रक्त की बूंद लानी होगी। ठीक है गुरुजी, इस बार मैं उसके रक्त का एक बूंद लेकर ही आऊंगी। जब आपने मुझे वापस भेज दिया तो मुझे आप पर यकीन नहीं हुआ मैडम, लेकिन अब आपने मन बदल लिया है मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो दरअसल उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कहा। वो दरअसल शिवानी को ब्लड देने में डर लगता है इसलिए तब उसने मना कर दिया। हाँ, ये क्या, मेरा डायलॉग शिवानी मार रही है? मेरी तरह इसे भी खून देने से डर लगता है? हाँ, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, बचपन से ही ऐसा है। मैं भी ऐसा ही था मैडम, मुझे भी इंजेक्शन से बहुत ही डर लगता था, लेकिन अब देखिए बिल्कुल नहीं डरता हूँ। आप भी नहीं डरेंगी। मैं तो खुद बहुत बड़ा डरपोक हूँ मैडम, पर क्या करूँ, आपके लिए हिम्मत जुटा रहा हूँ। सच बोलूं, सिरिंज को देखकर ही मुझे डर लग रहा है इसलिए मैंने मना कर दिया था। मैडम, छोटा सा काम है मैडम, अभी हो जाएगा। हे भगवान, इस सिरिंज को देखकर तो भागने का दिल कर रहा है, जल्दी करो भगवान। शिवानी, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो छोड़ो, रहने दो। अरे आप चुप रहिए मैडम। सर, एक काम कीजिए, आप पहले मेरा ब्लड लीजिए, उनको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी। मैं भी यही चाहती थी,
डर को अपने चेहरे पर मत आने देना। ए त्रिशूल, चुप रहना बेटे, अपनी इज्जत को मत गवाना, ठीक है ना? हो गया हो गया हो गया। देखा ना मैडम, इतना ही, बस एक ही मिनट का काम था और कहीं पे दर्द भी नहीं हुआ। जो मैं चाहती थी वो हो गया। अब इसके खून की मुझे जांच करनी होगी। देखो देखो, बस इतना ही हो गया। सुरेखा, कॉफी लेकर आओ। मैम, रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। सुरेखा, कॉफी लेकर आओ। आप स्नैक्स लोगे? नहीं मैम, इट्स ओके। अरे थोड़ा लीजिए ना। सर, ये लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। आइए कुछ खाते हैं। आइए सर, प्लीज। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैडम, बाय। हाँ